हाँ ये मीटर पिनियन है जिसे वॉर्म सेट भी कहते हैं। स्पेंडर का फुटरेस्ट, ये रबर की क्वालिटी आप देखो। मीटर पिनियन, मीटर पिनियन, वाओ वाला स्टैंड हो गया। अभी जो BS6 की गाड़ियों में आती है सेंसर वाले स्टैंड, जो कि गाड़ी अगर स्टैंड गिरा हुआ रहेगा तो ऑन नहीं, ऑन नहीं होगा। सारे गाड़ियों का आपको मिल जाएगा, इधर भी देख सकते हैं, एक दो तीन चार, ये सारा सिर्फ डेमो में लगा। यही रोंडा का ब्रेक्स है, देख सकते हो इसमें भी हमारा ब्रांडिंग आपको दिखाने वाले हैं। ये एक्टिवा का एयर फिल्टर है, एक्टिवा न्यू मॉडल और मैस्ट्रो। मैस्ट्रो, बाकी ये देखिए, वाओ वाओ। दत्तन लेडीज फुटरेस्ट है, ये हीरोंडा का है, हीरोंडा के लिए। ये कपलिंग हब है, देख सकते हो, ये सेंसर के साथ में है। ये किस गाड़ी का है भैया? R15 V3 ना जी, R15 V3। सेंसर वगैरह आप लोग देख सकते हो, और इसके प्राइस के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। तो फटाफट, मैग्नेट की है यहाँ पे, जो कि इजीली कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। हम लोग एयर फिल्टर देख पा रहे हैं, वो भी क्लासिक 350 का है, बुलेट का है। ये देखिए, वाओ, चैन पॉकेट और चैन है, देख सकते हो। नमस्ते, जोहार, मेरा नाम है रोहित चौधरी गाइस, और आज हम लोग आए हुए हैं भारत स्पेयर में। बोर्ड दिखा दे जरा, अंदर चलते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो ये रिटेल स्टोर है भारत स्पेयर का। यहाँ पे आपको टू व्हीलर का, मतलब पूरा झारखंड में सबसे सस्ता रेट में, आपको अगर कहीं टू व्हीलर पार्ट चाहिए होलसेल रेट में, तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपको बताते हैं कि भारत स्पेयर आना कैसे है। रांची के रेलवे स्टेशन से मेन रोड जाने वाले रास्ते में जब आप आओगे, तो मेन रोड जाने वाले रास्ते में आपको दाहिनी ओर में गुरुद्वारा दिख जाएगा। गुरुद्वारा से आपको सीधा चलते रहना है, 100 मीटर चलने के बाद में आपको बाईं ओर में अंजुमन प्लाजा मिल जाएगा। अंजुमन प्लाजा चौक से आपको दाहिनी ओर में, जस्ट दाहिनी ओर में आपको डॉक्टर फतुल्ला रोड जाने का रास्ता मिल जाएगा। डॉक्टर फतुल्ला रोड में सीधा चलते रहना है, चलते रहने पे कुछ ही दूरी पे आपको बाईं ओर में फतुल्ला मस्जिद देखने के लिए मिल जाएगा, और जस्ट उसके कुछ दूर चलने के बाद में आपको लाल और सफेद कलर का बोर्ड मिल जाएगा भारत स्पेयर का। तो अंदर चलते हैं और बातें करते हैं, क्या क्या नया नया स्टॉक आया हुआ है, पूरा तो स्टॉक भरा हुआ है, तो अंदर चलते हैं, बातें करते हैं, चलिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अभी हम लोग आ चुके हैं भारत स्पेयर के अंदर, और ये रिटेल स्टोर है भारत स्पेयर का। आपको ऊपर लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या क्या आपको नया नया स्टॉक आया हुआ है। बाकी आप लोग देख सकते हो, इधर दिखा देते एक बार, पूरा इधर सब वॉल पूरा भरा हुआ है, ऊपर से नीचे सारे तरफ में स्टॉक। ये सिर्फ रिटेल स्टोर का बस हल्का सा झलक है, आप लोग को ऊपर दिखाएंगे, नया नया इन्वेंट्री आया हुआ है, पूरा धमाल मचने वाला है इस बार में। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं यहाँ पे भाई, कैसे हैं? वेलकम भाई, कैसे हैं? अच्छा भाई, और क्या नाम है सर आपका? सदाब इब्राहिम। ओके, तो सदाब भाई, इस बार नया नया स्टॉक तो हम लोग देख पा रहे हैं पूरा भाई लोग के लिए, हर बार से नया, इस बार भी कुछ नया हम लोग लेके आए हैं। जी जी, और जैसा हर बार हम लोग परसेंटेज देते हैं, डिस्काउंट स्पेशल देते हैं, इस बार भी है, और कुछ नया एक्स्ट्रा ऐड भी किया गया है इस बार, जो आपको देखने के लिए मिलेगा ऊपर पे। और भी ओके ओके, हम लोग चलते हैं प्राण भैया से बात करते हैं, ठीक है सदाब भैया, अब हम चलते हैं, दिखाते हैं पूरा ऊपर गोडाउन लगा हुआ है, एकदम स्टॉक इतना सारा है कि आपको कोई भी तरीका का जितना भी आपको माल चाहिए सब मिलेगा। और चलते हैं बात करते हैं, वेलकम करते हैं उनका। तो गाइस देख सकते हो, अभी हम लोग आ चुके हैं भारत स्पेयर के ऊपर में गोडाउन में, और यहाँ पे जितना स्टॉक आप लोग देख सकते हो, इधर आप पहले दिखाते हैं, पूरा नया नया स्टॉक पूरा भरा हुआ है, चाहे वेरॉक का हो, चाहे सिल्वर अप का हो, चाहे मिंडा का हो, सारा का सारा सारा अवेलेबल है। और जितने भी भाई लोग चाहते हैं, मैकेनिक भाई लोग चाहते हैं नया नया बिजनेस शुरू करना, तो उन लोग के लिए आज कुछ नया नया चीज लेकर आए हैं, उन लोग के लिए बहुत रनिंग आइटम भी लेकर आए हैं। तो वो सब चीज बताने से पहले वेलकम करते हैं यहाँ के स्पेशल गेस्ट, यहाँ के स्टोर ऑनर फरान भैया का। फरान भैया, बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। हाँ तो फरान भैया, कैसे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया। और बाकी इस बार तो हम देख पा रहे हैं स्टॉक पूरा भरा हुआ है, एकदम नया पूरा गोडाउन भर गया है। और एक स्पेशल चीज हम बोलना चाहेंगे फरान भाई, जब हम ऊपर चढ़े हैं तो हमको लगा ही नहीं कि मतलब भारत स्पेयर इतना ज्यादा नया वैरायटी ऐड किए हैं भाई लोग के लिए। हम लोग बात कर रहे थे कि जितने लोग नया लोग काम करना चाहते हैं, और जो आपको कमेंट भी कर रहे थे कि रनिंग आइटम दिखाइए, तो इस बार तो कुछ बोलना ही नहीं है, तो बताइए भैया, सामने करते हैं। इस बार क्या है कि अपने पास काफी स्टॉक BS6 के अवेलेबल है। जी जी, ऑन डिमांड कस्टमर का, भैया रनिंग आइटम आप मुझे वीडियो पे प्रोवाइड कराइए। हाँ हाँ, तो इस बार मैं स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया हूँ। हाँ। हम लोगों के पास काफी न्यू स्टॉक अवेलेबल है, जैसे BS6 के आइटम में होगी, BS6 में आप लोग देख सकते हो सेंसर का स्टैंड हो गया, सेंसर स्टैंड हो गया, मोटर फ्यूल इंजेक्टर वगैरह हो गया, और रनिंग आइटम जो कस्टमर का डिमांड था कि भैया वीडियो पे रनिंग आइटम जो है आप वो मुझे दिखाइए। ओके, तो फरान भैया थोड़ा सा बाहर आते और ऑडियंस से बात करते हैं, और बताना स्टार्ट करते हैं कि किस किस साइड से कौन कौन सा पार्ट दिखाएंगे आप, दिखाइए। हाँ, ये मीटर पिनियन है जिसे वॉर्म सेट भी कहते हैं। हाँ, स्प्लेंडर का ये हो गया फाइबर में। हाँ, और ये आपका हुआ
लोहे वाला, ये लोहे वाला है। ओके, मीटर पिनियन। मीटर पिनियन, वाओ कितना प्यारा क्वालिटी है। थोड़ा सामने से आप देख पाते कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हो। और ये आपको मतलब प्लास्टिक में मिल जाएगा। हाँ। और ये मेटल में भी, दोनों में अवेलेबल है, तो जैसा आप चाहोगे तो मिल जाएगा। बाकी देख सकते हो एमआरपी आपको 83 रुपीज पड़ रहा है ये, और ये होलसेल प्राइस नहीं है। होलसेल प्राइस के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, एमआरपी के ऊपर आपको डिस्काउंट आएगा। ये तो एमआरपी है, होलसेल में ले रहे हैं या रिटेल में ले रहे हैं तो ये एमआरपी में भी थोड़ा कुछ कम होगा रिटेल को लेके? ना ना, ये तो सारे के लिए डिस्काउंट होगा। ये डिस्काउंट रिटेलर के लिए भी डिस्काउंट होगा, होलसेलर के लिए भी। अच्छा, दोनों के लिए डिस्काउंट होगा, लेकिन ये होलसेल के लिए अलग से प्राइस लगेगा भैया? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, उसके लिए कॉल कर सकते हैं ना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये है टाइमिंग चेन पत्ती। टाइमिंग चेन पत्ती, टेंशनर पत्ती। टेंशनर पत्ती, ओके। ये एमआरपी आप देख सकते हो, आपको डिस्काउंट आएगा 50 रुपए। ये है रॉकर। रॉकर हीरोंडा का। ओके, ये देखिए, वाओ वाओ कितना सही है। और क्या इसका प्राइसिंग वगैरह है देख सकते हो आप लोग, 270 रुपीज पड़ रहा है ये। इसमें भी डिस्काउंट होगा, सभी आइटमों पर डिस्काउंट होगा, जितना आइटम है सारे के ऊपर डिस्काउंट है। और नेक्स्ट हम लोग के पास में है ये लेडीज फुटरेस्ट है, ये हीरोंडा का, हीरोंडा के लिए है। हाँ जी, बाइक है ये। 175 रुपीज से 175 रुपए वन पीस का क्वांटिटी देख सकते हो, और इसमें भी कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, सारे आइटमों पर डिस्काउंट होगा सर। कपिंग हब है देख सकते हो, और ये 420 का है। बाकी होलसेल प्राइस के लिए, किसी भी पार्ट का होलसेल प्राइस के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। देख सकते हो ये कपलिंग हब है। अच्छा, क्वालिटी देखिए गाइस। एक बार हम आपको पर्सनली यही बोलेंगे कि सिल्वर अप का माल एक बार आप ट्राई करके देखो, माल सब बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। तो जितने भी मैकेनिक भाई लोग देख रहे हैं, जो लोग जानते हैं वो लोग के लिए तो अच्छी चीज है, लेकिन जो नहीं जान रहे हैं उन लोग के लिए एक बार जरूर से ट्राई करके देखो सिल्वर अप, ठीक है। और गाइस हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट है, कौन सा है भैया? ये गियर बॉक्स स्पॉकेट। अच्छा, सॉकेट शाफ्ट है गियर बॉक्स का देख सकते हो, जो कि एकदम अंदर में लगता है गियर बॉक्स को। दिखाता हूँ, वाओ ये देखिए, आप लोग देखो माल देखो कैसा। यहाँ पे हमारा ब्रांडिंग भी मिलेगा सारे आइटमों पे सिल्वर अप का। ओके, देखिए किसी तरह का कंप्लेन होगा, किस तरह का अगर इशू आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली हमारे से। ओके, चलते हैं आगे। हाँ तो फ्रंट भैया, हम लोग नेक्स्ट क्या दिखाने वाले हैं? ये एक्टिवा का एयर फिल्टर है, एक्टिवा का मॉडल, और मैस्ट्रो। मैस्ट्रो और एक्टिवा में लगता है ये, देख सकते हो फिल्टर। और बाकी आपको ना किसी भी पार्ट का कैसा है क्वालिटी, फोटोज वगैरह चाहिए तो फरान भैया व्हाट्सएप कर सकते हैं भाई लोग। बिल्कुल, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं रेट के लिए और फोटोज के लिए। फोटोज के लिए, रेट के लिए। आप मुझसे प्राइस लिस्ट ले सकते हो, डिस्काउंट क्या है वो पूछ सकते हो। आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं सारा डिटेल्स आपको बता दूंगा। जी बिल्कुल, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग। इसका प्राइसिंग का बात किया जाए, ऊपर प्राइसिंग यहाँ पे 130 रुपए। तो फरान भैया हम लोग नेक्स्ट पार्ट कौन सा दिखाने वाले हैं? ये स्प्लेंडर का फुटरेस्ट है, ये आप देख सकते हो। देख सकते हैं स्प्लेंडर का फुटरेस्ट, ये रबर की क्वालिटी आप देखो। ये गेज देखो क्या सही है, और क्वालिटी में, और बहुत हेवी है, और ऐसा नहीं कि बहुत लाइट मटेरियल है, वैसा कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। आइए अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेक शू, सिल्वर अप ब्रेक शू। ये हीरोंडा का ब्रेक शू है देख सकते हो, इसमें भी हमारा ब्रांडिंग आपको मिलेगा काफी अच्छे रेट में, और क्वालिटी काफी अच्छा है। बाकी किसी भी पार्ट्स का फोटोज वगैरह चाहिए व्हाट्सएप कर सकते हो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और देख पा रहे हैं भैया हम लोग, एयर फिल्टर देख पा रहे हैं, वो भी क्लासिक 350 का है, बुलेट का है ये देखिए। वाओ फिल्टर की क्वालिटी देख सकते हो। वाओ, और इसका प्राइसिंग आपको देख सकते हो 145 रुपए। ये हो गया सेंसर वाला स्टैंड हो गया, अभी जो BS6 की गाड़ियों में आती है सेंसर वाले स्टैंड, जो कि गाड़ी अगर स्टैंड गिरा हुआ रहेगा तो ऑन नहीं होगा। सारे गाड़ियों का आपको मिल जाएगा, इधर भी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। ये तो सिर्फ डेमो में लगाया करना पॉसिबल नहीं है, बट जो पॉसिबल हुआ मैं यहाँ पे प्रोवाइड आपको कराया। ओके ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी गाड़ी चाहिए, जो भी गाड़ी का स्टैंड चाहिए, वो भी मतलब सेंसर वाला, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज भैया वेलकम है हमारे चैनल में। और बताइए कौन सा नेक्स्ट पार्ट है? नेक्स्ट पार्ट है हाउस पाइप जी, देख सकते हो हाउस पाइप का क्वालिटी, रबर का क्वालिटी सारा दिखा देते हैं। बहुत सॉफ्ट रहेगी, बहुत हार्ड रहता है, वो लगता नहीं। अच्छा, बाकी ये देखिए, वाओ दबता नहीं है बहुत। बहुत लोग बोलते हैं ये बिट की लगाने से वो लीकेज कर जाता है, कट जाता है, तो जरूर से ये भी एक बार कॉल करके देखो, बातचीत करके देखो। और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख पा रहे हैं, जो बूट है ये सॉकर का रबर है, सॉकर के आगे में जो पाइप होती है उसके ऊपर लगी हुई रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो प्राइस वगैरह देख सकते हो, 95 रुपए इसका प्राइस है, MRP है।
रिटेल एंड होलसेल दोनों के लिए अलग अलग लगेगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है किक रिचिट लॉक। अच्छा, किक रैचेट लॉक जी। ओके, देख सकते हो गाइस ये बहुत छोटा छोटा सा आइटम है, लेकिन जो लोग ये मार्केट में जल्दी मिलता है ना, हाँ, ये सब मिलेगा नहीं देखने के लिए, ये सब आपको बस एक ही जगह मिलेगा, भारत स्पेयर। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। ये है वन वे। वन वे क्लच, वन वे। अच्छा, मैग्नेट में ये लगती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये है पैशन प्रो की। पैशन प्रो सिटी डिलक्स स्प्लेंडर प्रो, सारी गाड़ियों में लगती है। अच्छा, नंबर नाइस क्वालिटी है। बाकी ये पैक्ड है, आपको अच्छे तरीके से देखना है, फोटोज वगैरह मंगा सकते हो, और इसका एमआरपी वगैरह भी आपको हम दिखाई देते हैं, देख सकते हो। बाकी वीडियो पॉज करके आप लोग एमआरपी देख सकते हो किसी भी पार्ट का। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एक और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है मैग्नेट की है यहाँ पे, जो कि इजीली कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो मैग्नेट चाबी है ये, हाँ, जो कि आपको इंजन वगैरह में कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ जरूरत होता है लगाने पर। एक और सिल्वर अप का पार्ट देख पा रहे हम लोग, एयर फिल्टर है विक्टर अभी न्यू मॉडल की, जो BS6 आ रही है उसकी। अच्छा। रेडॉन में भी लगती है। रेडॉन में भी लगती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। और फिल्टर है ये। अच्छा, साइन 110 एयर फिल्टर है जी। ओके, दिखाई खोल कर। प्राइस लिस्ट अगर आपको देखना है या प्राइस के बारे में कुछ भी जानना है और डिटेल से सब कुछ जानना है, तो वो सब के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं। और एक बार आप लोग देखो एयर फिल्टर का क्वालिटी देखो, ठीक है, सामने से क्लियर आपको पता चल पा रहा होगा। और इसके बाद भी किसी तरीके का और हेल्प चाहिए तो आप लोग कॉल कर सकते हो। और अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो उसके लिए हम लोग स्पेशली एक तरीके से भी बताएंगे, अच्छे तरीके से कैसे करना है, क्या करना है, कितने में करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। ऑयल फिल्टर किसका है ये? एक्टिवा 6G। एक्टिवा 6G मतलब अभी नया BS6 मॉडल का। वाओ, देख सकते हो गाइस सिल्वर अप का ऑयल फिल्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और थोड़ा सामने से आपको अच्छे तरीके से समझ पा रहा है, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा के अच्छे तरीके से देख सकते हो। और अगर आपको फोटोज वगैरह चाहिए तो उसके लिए भी आप देख सकते हो। इसका MRP भी आप जी हाँ MRP देख सकते हो, पर पीस में ये MRP लगने वाला है, ठीक है। जैसा आपको चाहिए बल्क में ऑर्डर करना है, आपको रिटेल में खरीदना है, आप लोग दोनों कर सकते हो। हाँ तो भैया नेक्स्ट पार्ट कौन सा होने वाला है? क्लच पुल्ली किसका किसका है? Activa HET 3G। आप लोग को सही से क्वालिटी अगर देखना है तो फोटोज वगैरह भी मंगा सकते हो। और फोटोज वगैरह मंगाना है या फिर वीडियो कॉल पे देखना है या फिर आपको जो भी कुछ करना है, फटाफट कॉल करो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं आपको। और अगर आपको आना है तो आपको आना है रांची में डॉक्टर पतुला रोड पे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये है लंबर प्लेट ब्रैकेट। अच्छा, नंबर प्लेट ब्रैकेट। ओके, पैशन प्रो का है जी। वाओ, 110 रुपए इसका प्राइस है, MRP प्राइस है, कुछ बहुत कम उसमें भी हो जाएगा और होलसेल में आपको थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होने वाला है? किक स्प्रिंग है जी। ओके, देख सकते हैं पूरा आपको बल्क में सारा कुछ माल मिलेगा, देख सकते हो किक में लगता है ये। और इसका MRP आप लोग देख सकते हो 30 रुपीज है। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारे पास? बॉल रेसर एक्टिवा का है, देख सकते हो एक्टिवा डियो मैस्ट्रो। दिखाई खोलकर इसको, वाह देख सकते हो, क्या आप जा रहे हैं, बॉल रेसर है, देख सकते हो। MRP के लिए आप लोग देख सकते हो, वीडियो रोक कर देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट कौन सा है हमारे पास में भैया? बॉल रेसर हीरो होंडा का जी। ओके, देख सकते हो प्राइसिंग के लिए आप लोग देख सकते हो, इधर MRP वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो रोक कर आप लोग MRP देख सकते हो। चलते हैं पार्ट्स दिखाते हैं आपको। क्वालिटी देखिए, क्वालिटी पर आप चेक करो, देख सकते हैं आप लोग सिल्वर अप का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगा। और ये आपको एकदम इतना अच्छा क्वालिटी वाला है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? स्केलेटर निप्पल है ये। ओके, ये स्केलेटर जो होती है तार, हाँ उसमें ये फंसती है। ओके, देख सकते हो प्राइस आप लोग देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके देख लेना। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। ये है वन वे रोलर है। वन वे रोलर है जी, किट है पूरा। ओके, ये जो वन वे होती है ना, हाँ इसकी रिपेयरिंग वाली ये चीज़ है। अच्छा, इसी से रिपेयर होती है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है हमारे पास में? ये है बैंडो का फाइन बेल्ट।
अच्छा बैंड ऑफ जी ओके फाइन बेल्ट है ये ओके देख सकते हैं एक्टिवा 125 का है और प्राइस का जो है अच्छा फाइन बेल्ट क्या होता है देख सकते हो चेन स्पॉकेट का जगह ये लगता है देख सकते स्कूटी स्कूटी में जहाँ पे चैन लगता है और चैन स्पॉकेट लगता है उसके बदले में आपको ये लगता है ये है चैन स्पॉकेट सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर प्राइस आप देख सकते हो इसका पार्ट्स दिखा दे खुलकर देख सकते हो चैन स्पॉकेट और चैन है देख सकते हो और बहुत अच्छा क्वालिटी में है देख सकते हो पीछे चैन देख सकते हो उधर है और MRP वगैरह के लिए आप लोग कॉल कर लेना बाकी फोटोज वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएगा ये नेट रेट में जी ओके होलसेल में अलग रहेगा इसका जी फुल गारंटी के साथ है जी फुल गारंटी के साथ में है जी तो जिससे चैन में खट खट सब आवाज आता आवाज आती है या चैन लूज हो जाती है टाइट नहीं होती है फिटिंग नहीं बैठती है तो ये वापस ये सीधा रिप्लेसमेंट हो जाएगा ओके बदले आपको फिर न्यू मिलेगा एकदम न्यू मिल जाएगा इसके बदले में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे ये है ब्लिंकर इंडिकेटर अच्छा ब्लिंकर इंडिकेटर है ओके देख सकते हो प्राइसिंग वगैरह ऊपर में आपको दिख जाएगा चलते हैं इसको खोल कर दिखाते हैं क्वालिटी देखिए इसका वाओ वाओ देख सकते हो गाइस बहुत ही अच्छा है और हैवी मटेरियल में है ऐसा नहीं कि खराब हो जाएगा और यहाँ पे देख सकते हो बेंड करने के लिए भी यहाँ पे है और यहाँ पे देख सकते हो स्विचेस थोड़ा सा लगाया हुआ तार वगैरह है चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे क्वालिटी आप लोग देख सकते हो तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे ये है डबल हिंसा ओके जो ब्लॉक होती है ना हाँ ब्लॉक के ऊपर में ये लगती है अच्छा अच्छा किट हेड डॉवेल है प्राइस आप लोग देख सकते हो ऊपर में चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे ये फ्यूल मोटर है फ्यूल मोटर है जी ग्लैमर BS6 ग्लैमर BS6 का है और भी अलग अलग गाड़ी सब का है यहाँ सिक्स जितनी भी KTM में और भी गाड़ी KTM का भी है बुलेट का भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा देख सकते हो वाओ वाओ ये मोटर है यहाँ देख सकते हैं HF डीलक्स का है और इधर देख सकते हो R15 V3 का है और इधर देख सकते हो MT15 का है और भी सारे गाड़ियों को मिलेगा जितनी भी गाड़ी के बारे में चाहेंगे सारे गाड़ियों को मिलेगा ओके तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे एक और पार्ट है R15 V3 का क्या है भाई ये पूरा असेंबली है ओके फ्यूल इंजेक्टर वाला असेंबली देख सकते हो दिखा देते भैया खोल कर सामने देख सकते हो ये सेंसर के साथ में है ये किस गाड़ी का है भैया R15 V3 ना जी R15 V3 सेंसर वगैरह आप लोग देख सकते हो और इसके प्राइस के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा तो फटाफट कॉल कर लेना प्राइस वगैरह के लिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे वाओ देख सकते हो एक्टिवा 6G का है और स्प्लेंडर में भी लगेगा BS6 में ना देख सकते हो प्राइस वगैरह के लिए कॉल कर सकते हैं आप लोग और ये क्या है इंजेक्टर ही है इंजेक्टर का है FZ का भी version 3 का है ओके दिखाइए बोल के दिखाते देख सकते हो और भी आपको किसी भी गाड़ी का चाहिए चाहे HF डीलक्स हो चाहे ग्लैमर हो सबका आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे इंजेक्टर तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट पार्ट कौन सा हमारे पास में कार्बोरेटर है जी देख सकते हो गाइस और इसका डिटेल्स वगैरह देख सकते हो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा CD100 का है ओके और प्राइस के लिए आप लोग कॉल कर सकते हो चलते पार्ट दिखाते हैं इसको देख सकते हो बाकी इसका अगर आपको फोटो वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे सो गाइस एक और यहाँ पे कार्बोरेटर जितने भी गाड़ी का कार्बोरेटर वगैरह चाहिए आपको सब गाड़ी का कार्बोरेटर अवेलेबल हो जाएगा वो भी बल्क में आपको होलसेल में चाहिए होलसेल में मिल जाएगा तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास में ये कैलिपर डिस्क पाइप है अच्छा कैलिपर का डिस्क पाइप है ओके क्या रेट वगैरह इसका रहता है भैया ये नेट में आएगा ओके तो चलो फिर इसके लिए कॉल कर सकते हो आप लोग प्राइस वगैरह के लिए और फोटोज वगैरह के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो चलते नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग और यहाँ एंडोरेंस का ये है कैलिपर ये जी ओके देख सकते हो प्राइस वगैरह आप लोग इसका होलसेल में अलग प्राइस लगेगा फोटोज वगैरह के लिए व्हाट्सएप कर लेना जरूर से अच्छे तरीके से फोटोज वगैरह चाहिए तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कौन सा पार्ट है ये है सॉकर का पाइप है आगे का सॉकर का पाइप है कौन सी गाड़ी का है ये स्प्लेंडर की है सीडी डिलक्स ओके पैशन प्रो अच्छा ये सब में लगता है ये एक्सल सुपर की है एक्सल हंड्रेड क्वालिटी इसका दिखा देता वाओ वाओ आप लोग क्वालिटी एक बार देखो अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा बना हुआ है थ्रेड और देख सकते हो कितना अच्छा क्वालिटी में है
ऐसा नहीं कि जल्दी खराब हो जाएगा, वैसा नहीं है। फोर्क लेग, फोर्क लेग, फोक पैर हिलती है। अच्छा, इसी में जो जाता है फोक पाइप जो था, अभी देख सकते हो आप लोग। आपको सारी गाड़ियों का आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, देख सकते हो। और क्वालिटी का बात किया जाए तो बहुत अच्छा तरीका से बनाया हुआ है, और आपको हर बाइक का जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। कॉल कर, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये स्पार्क प्लग तो सारा गाड़ियों का अवेलेबल हो जाता है भैया जी, जितनी भी गाड़ी है जी, जी। ओके, देख सकते हो। और इसका प्राइस वगैरह के लिए बातचीत कर लेना, देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये है किक शॉप, किक शाफ्ट है ये जी। ओके, देख सकते हो, इसमें ही किक फंसता है। ओके, किक, अच्छा अच्छा अच्छा, इसी पे किक फंसता है जी, देख सकते हो। देख सकते हो पार्ट का क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, पार्ट के दिखाते नहीं, ठीक है। देख सकते हो सामने से, देख सकते हो कितना अच्छा तरीके से फिटिंग के लिए बनाया हुआ है, ताकि जल्दी से खराब नहीं होगा। तो जरूर से कॉल कर सकते हो। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग। क्लच लीवर है ये, क्लच लीवर है। कौन कौन से गाड़ी में जाएगा ये? ये स्प्लेंडर, हीरोंडा, सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर। ओके ओके, हाँ। तो भैया क्या क्या दिखाने वाले इधर? मीटर असेंबली, मीटर असेंबली है ये। ओके, और ये कौन कौन सी गाड़ी सबका यहाँ पे? लगभग रनिंग सब गाड़ी की है, लगभग सारी रनिंग गाड़ी की है। ओके, ये होती है मॉक्सी, मॉक्सी फ्लैशर है ना सर ये। अच्छा, जो गाड़ी का लाइट ब्लिंक करता है, हैजार्ड लाइट। ओके ओके, देख सकते हो। इसका प्राइस वगैरह के लिए कॉल कर सकते हैं, और आप स्टॉक वगैरह देख सकते हो। खाली यहीं पे नहीं है, बस और भी बहुत सारा है, और यहाँ पे HJG का पूरा सेट है यहाँ पे। और ये सब भैया? ये फ्यूज है, ये फ्यूज सब है गाड़ी का, जो कंट्रोल्स में जो होता है ना, मेन कंट्रोल्स में वहाँ पे लगता है फ्यूज, ठीक है। तो ये सारा फ्यूज अवेलेबल है यहाँ पे। और आपको जितना भी वायर वगैरह में ना, जो स्टार्टिंग में नहीं लगता है पिन वगैरह जो रहता है, हॉर्न क्लिप है। अच्छा, हॉर्न क्लिप है, तो वो सब भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? ये है पिस्टन सेट, पिस्टन सेट है ये जी। ओके, पिस्टन सेट। अच्छा, तो इसका भी पूरा आप लोग डिटेल से कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हो। सब कुछ मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे TVS का, सुपर एक्सेल का है यहाँ पे, एक्टिवा 3G का है, देख सकते हो, iSmart का है, ठीक है। सारी गाड़ियों का अवेलेबल रहता है, देख सकते हो यहाँ एक्टिवा 3G, इधर डेस्टिनी, मेस्ट्रो, सारा गाड़ी का अवेलेबल है, होंडा साइन से लेके सारी गाड़ियों का। ये सेल्फ पिनियन है, सेल्फ पिनियन जी। ओके, देख सकते हो भाई, पार्ट देख सकते हो कितना प्यारा है। और इसका फोटो वगैरह के लिए आप लोग कॉल कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास में नीचे यहाँ देख सकते हैं, यूनो मिंडा में, ये क्या है भैया? रियर व्यू मिरर। प्राइस वगैरह देख सकते हो, कॉल कर सकते हो इसके लिए। खोल कर दिखा देते हैं इसको, नाइस। ये सारी गाड़ी का अवेलेबल हो जाएगा भैया जी। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ तो कमलेश जी, क्या क्या दिखाने वाले हैं हम लोग अभी? अभी हम लोग क्लच प्लेट का रेंज है हमारे पास, मिंडा का, ओके, एंडोरेंस का, ओके, MK का, ओके, ये हमारा खुद का सिल्वर अप का है। ओके, देख सकते हो सिल्वर अप का क्लच प्लेट, आप लोग देख सकते हो सेट है पूरा। और ये सारा कंपनी का, सारा गाड़ी, हाँ, का सारा मॉडल का आपको हर एक अवेलेबल है, सारे मॉडलों का। और ये क्या है? ये ब्लॉक किट है, ब्लॉक किट है आपका, इसमें जेन्युइन भी मिल जाएगा, उषा में है हम लोगों के पास। ओके ओके, और नीचे इधर सब क्या लगा हुआ है? ये सारा ब्लॉक किट का ही है। नेक्स्ट ये क्या है हमारे पास में? ये मिंडा का इग्निशन है, मिंडा का इग्निशन स्विच। सारे गाड़ियों का आपका इस पे रेंज है, सारा गाड़ी का, हाँ। और नीचे ये सब? ये क्लच लीवर, ब्रेक लीवर है। नेक्स्ट क्या इधर होने वाला है? ये सारा हम लोगों का मिंडा का मिरर है, रियर व्यू मिरर, हाँ। सारे गाड़ियों का अलग अलग आता है, होलसेल से लेके रिटेल सब में मिलेगा। होलसेल में आपको जितना का भी माल चाहिए सब कुछ मिलेगा, पूरे भारत में कहीं भी मंगाना चाहो मंगा सकते हो, अच्छे से अच्छे रेट में, जो कि आपको कम से कम रेट में यहाँ के देखने, हाँ, के लिए मिल जाएगा। और इधर और क्या है कमलेश? ये मिरर में हम लोग का एक थोड़ा सस्ते में भी है, प्योर फिक्स का। इधर और क्या है? ये सारा मिंडा का स्विच है, स्विच लॉक किट वगैरह। अच्छा, लॉक किट है, स्विच वगैरह सब है, हाँ। और इधर फिर इधर क्या है? वही सब है, सारा लॉक किट का ही है। और ये इधर हम लोग क्या देखने वाले हैं? ये ब्लिंकर हो गया आपका मिंडा का, ब्लिंकर वगैरह, रिले है, रिले है, ये स्विच है, ओके, लाइट का स्विच है, हाँ। जितने प्रकार का स्विच है वो सारा मिंडा में अवेलेबल है, सारा मिंडा में अवेलेबल, हाँ। ग्लैमर का है क्या, हाँ, क्या है ये सब? ये ग्लैमर का यूनिवर्सल है, ये ग्लैमर के साथ में और भी गाड़ियों पे लगता है, वो भी है। ये साइन का हो गया, इसी टाइप का अलग अलग मॉडलों में। इधर क्या क्या देख रहे हैं हम लोग?
ये हमारा सिल्वर अप का है, स्टैंड है, साइड स्टैंड वगैरह। हाँ, तो इधर क्या क्या लगा हुआ है भैया? जेनविन है टीवीएस का ब्लॉक किट। अच्छा, ब्लॉक किट। और नीचे आपका स्पार्क प्लग आएगा। वाव वाव, ये बजाज का ब्लॉक किट है। नेक्स्ट पार्ट क्या दिखाने वाले हैं भैया हम लोग? उषा में पिस्टन है। ओके, कुछ हमारा सस्ते में भी पिस्टन है। ओके, उसका सारे गाड़ियों का रेंज है, ऊपर से नीचे पूरा पिस्टन। हाँ, ये ब्लॉक किट है उषा में। और पीछे देख पा रहे हैं स्प्रे पेंट होता है, ये सारे कलर में अवेलेबल है। हाँ, ये सारा ही मिल जाएगा। नीचे में डिस्क पैड है। अच्छा, सारे गाड़ियों का डिस्क पैड अवेलेबल है। पीछे ये फिल्टर्स वगैरह है, ये हमारा सिल्वर अप में आएगा। ओके, वो सारे गाड़ियों का रेंज है इसपे। अच्छा, इधर सारा गाड़ी का, इधर रैचेट वगैरह सब देखने के लिए। हाँ, ये कीक रैचेट है। अच्छा, आप इसका क्वालिटी देख सकते हैं। ये आपका आएगा सिल्वर अप में। वाओ, कीक रैचेट है, देख सकते हैं। और बातचीत कर सकते हो प्राइस के लिए। और यहाँ पे पूरा वैरॉक में, पूरा ऊपर से नीचे पूरा वैरॉक का पूरा एक वॉल भरा हुआ है। हाँ, तो भैया हम लोग इधर तो दिखा चुके हैं सारा, अब इधर कुछ कुछ और भी पार्ट्स वगैरह लगा हुआ है, वो दिखाते हैं। इधर हमारा मिंडा का सारा हेडलाइट है। हाँ, सारे गाड़ियों का हेडलाइट अवेलेबल, सारा गाड़ी का। हाँ, ओके। और इधर अलावा ये सिल्वर अप का चैन किट है। सिल्वर अप का चैन किट सारा गाड़ियों का? सारा गाड़ियों का है, बहुत अच्छा क्वालिटी में है। इसमें आपको गारंटी भी मिलता है, अगर किसी प्रकार का इशू होता है फिटिंग में या चैन आवाज करता है तो उसके लिए हम लोग रिप्लेसमेंट देते हैं, सीधा बदल देते हैं। हाँ, सीधा ही। इधर और दो गली और इधर भी देख सकते हो। इधर क्या क्या लगा हुआ है? रोलन का चैन किट है। रोलन का पूरा रेंज है, सारे गाड़ियों का चैन किट अवेलेबल है। उधर क्या क्या लगा हुआ है? ये आपका केबल्स में आता है, एसीसी केबल हो गया, ब्रेक केबल हो गया, क्लच केबल हो गया वगैरह, देख सकते हो। नीचे इधर नीचे आपका जो लोहे का पार्ट्स आता है, जैसे कि साइड स्टैंड हो गया, सेंटर स्टैंड हो गया, और ऊपर क्लच हब, क्लच सेंटर, पूरा रेंज है सारे गाड़ियों का। ये भी आएगा आपका सिल्वर अप में। और इधर नीचे क्या लगा हुआ? पैकिंग गैस्केट वगैरह। हाँ, इंजन लगाते हैं तो बीच में लगता है ना। हाँ, ओके, तो ये भी अवेलेबल है। और इधर पीछे और भी, ये सारा हार्नेस है सारे गाड़ियों का। ये मिंडा में आएगा आपका, स्पार्क मिंडा में। स्पार्क मिंडा में। और क्या क्या लगा हुआ है? फुटरेस्ट असेंबली जो आपने वहाँ पे पीछे देखा, सारा उसका स्टॉक इधर वॉल पे ऊपर से। ये गियर सॉफ्ट है, गियर लीवर है, ये सारे आपको सिल्वर अप में मिल जाएंगे। ये सोकर बूस है, इसको ग्रिप बूस भी बोलते हैं। इसका पूरा रेंज है, देख सकते हो ऊपर। हमारे पास सिल्वर अप का एक वाइड रेंज है, जिसमें आपको लगभग सारा ही पार्ट्स कवर हो जाता है टू व्हीलर का, देख सकते हो। ग्रीन बूस लगा हुआ है यहाँ पे। और हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे और इधर आते हैं, देख सकते हो इधर भी आप पूरा भरा हुआ है, पूरा माल ऊपर से नीचे। ये सब क्या है? ऑयल सील सब है। हाँ, एक और गली लगी हुई है, पूरा स्टॉक भरा हुआ है। इधर तो हम लोग बात कर ही लिए, वहाँ पे हम लोग टेबल में दिखाए थे कुछ फ्यूल इंजेक्टर वगैरह, उसका आप लोग वाइड रेंज देख सकते हो। जिक्सर का, आयरन फाइव V2 का है, RTR का है, आपको बुलेट का मिल जाएगा, एक्सेस का, जो मतलब जितना भी अवेलेबल है गाड़ी मार्केट में सारा का अवेलेबल है। यहाँ फ्यूल मोटर्स अवेलेबल है, जैसे वहाँ पे दिखाए थे, हम आपको बोल रहे थे जुपिटर का है यहाँ पे, FZ बुलेट, फसिनो, R15 V3 का है, HF डिलक्स, जितना भी गाड़ी आपको चाहिए सारा अवेलेबल हो जाएगा, कार्बोरेटर भी है। हाँ, तो वरान भैया सारा डिटेल्स तो हो चुका है, हम लोग पूरा आपका गोडाउन दिखा दिए हैं। एक मेरा स्पेशल सवाल है, जैसा कि कोई व्यूअर देख रहे हैं और वो चाहते हैं काम शुरू करना, ठीक है, तो वो कैसे काम करेंगे और कितना मिनिमम से शुरू कर सकते हैं? और गाइडेंस के लिए जैसे कोई नहीं है सिखाने के लिए, तो मतलब आप हेल्प करोगे नहीं करोगे, वो चीज क्लियर करते हैं, बताओ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं और उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है कि किस आइटम को क्या कहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे उनको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, एक एस्टिमेट बनाकर रनिंग आइटम का हम लोग उन्हें प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, और जहाँ पे भी हेल्प चाहिए होगा हम लोग वहाँ पे उनको सपोर्ट करेंगे। तो एस्टिमेट अमाउंट का बात किया तो कितना स्टार्टिंग हो जाएगा? अप्रॉक्स 25,000 से स्टार्ट कर सकते हो, मात्र 25,000 रुपए से। वाओ, बहुत ही अच्छी चीज है ये। कोई भी ऑल ओवर इंडिया से देख रहा है तो वहां तक माल कैसे पहुंचेगा? और अगर कोई भारत में कहीं से भी है और घर बैठे माल मंगाना चाहते हैं तो वो कैसे मंगाएंगे? ऑर्डर वो प्लेस कर सकते हैं, लोग क्या कि डिलीवर करा देंगे प्रोडक्ट। उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट जहाँ बस अवेलेबल है वहाँ हम लोग बस में डाल देते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट का जरूरत है तो हम लोग कुरियर या ट्रांसपोर्ट का भी यूज करते हैं। तो आप लोग जो भी कुछ बातचीत करना है और बाकी कॉल पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए फरहान भैया, और थैंक यू सो मच कमलेश जी, और हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। तो गाइस सारा डिटेल्स हो चुका है। अगर आपको आज की वीडियो में से कोई भी चीज पसंद आई, कोई भी स्पेयर पार्ट्स आपको मंगाना है होलसेल में, रिटेल में, जो भी लेना है, विजिट करो
भारत स्क्वायर आओ और लेके जाओ। गाइस सारा सारा डिटेल्स हो चुका है, अब आज की वीडियो पसंद करते हैं हम लोग, फिर से मिलेंगे वीडियो के साथ में। इतने सब को बाय।